हम लोग लास्ट देख रहे थे कि यहाँ पे हमारे पास CSS और JS के फाइल्स को हमने डाउनलोड किया था बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से और उसको अपने फोल्डर में रख लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी हमें HTML में डिजाइन करना है उस HTML की फाइल पे चलेंगे। तो यहाँ पे HTML की फाइल पे जाने के लिए हम पूरा फोल्डर ओपन करने के लिए CMD लिखते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि VS कोड ओपन करने के लिए कोड डॉट करेंगे, तो जिस फोल्डर में है उसी फोल्डर को हमारा VS कोड में क्या करेगा, ओपन कर देगा। इससे क्या होगा कि हमारे पास CSS का भी फोल्डर वहां पे अवेलेबल होगा, JS का भी फोल्डर अवेलेबल होगा और जो हमारी HTML की फाइल हम बनाने वाले हैं वो भी अवेलेबल रहेगा यहाँ पे। कुछ इस तरीके से इंडिविजुअल फाइल ओपन करने के बजाय आपको कुछ इस तरीके से पूरा फोल्डर ओपन करना चाहिए। यहाँ से हमने ओपन कर लिया है। अब हम HTML वाली फाइल पे चलेंगे और इस HTML की फाइल में हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे हम बड़ी डिवाइस के लिए हम CSS या उसकी क्लासेस को यूज करेंगे और यहाँ पे कैसे छोटी डिवाइसेस के लिए यूज करेंगे। तो एक बॉयलर प्लेट रेडी कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पे हमने लिखा रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग। इसमें देखिए यहाँ पे जो हमने इसको बनाया है इस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको एक डिवीजन का यूज करना रहेगा। तो डिवीजन डॉट कंटेनर आप ऐसे चाहे लिखिए तो ऑटोमेटिक उसमें क्लास लगा देगा, या फिर आप ऐसे डिवीजन आप बनाइए फिर उसके अंदर जाइए फिर यहाँ पे क्लास लिखिए और क्लास में हमें जो क्लास का नाम देना है वो क्लास का नेम यहाँ पे पास करेंगे। और या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे डिवीजन डॉट कॉलम, हमें ये कॉलम हमारी क्लास हो गई। अगर हमें मीडियम डिवाइस के लिए कोड लिखना है तो यहाँ पे MD, मीडियम डिवाइस का मतलब है हमारे लैपटॉप के लिए हो गया या डेस्कटॉप के लिए हो गया, उस पर्पज से यूज करना है। और यहाँ पे हमारे पास तीन का कॉलम होता है, एक रो में कुल 12 कॉलम होते हैं, एक रो में कुल 12 कॉलम होंगे और अगर हम उसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तब दैट मींस एक कॉलम की विड्थ 1 रखेंगे फिर दूसरे कॉलम की विड्थ 1 रखेंगे तो कुल ऐसे मिला करके 12 कॉलम क्रिएट होंगे। लेकिन अगर हम एक कॉलम की विड्थ 3 रखेंगे फिर से दूसरे कॉलम की विड्थ 3 रखेंगे फिर तीसरे कॉलम की विड्थ 3 रखेंगे तो कुल ऐसे 4 कॉलम बनेंगे और टोटल साइज क्या होगी, 12, 3 चौके 12, 4 कॉलम बनेंगे और तीन तीन का एक विड्थ होगा। ये जो नंबर लिखे जा रहे हैं MD के बाद ये हमारे कॉलम की विड्थ डिसाइड करेंगे कि कॉलम की विड्थ कितना होगा। अगर हम इस 3 की जगह पे 6 लिखते हैं तो कॉलम की विड्थ स्क्रीन के हाफ तक ले लेगा साइज, और अगर हम 6 का बनाएंगे तो 6 6 का 2 बनेगा क्योंकि 6 का एक पार्ट हो जाएगा 6 का दूसरा पार्ट हो जाएगा। और हमें पता है कि एक रो में कुल 12 कॉलम होते हैं इसलिए वो क्या करेगा, 2 कॉलम डिवाइड कर देगा। ऐसे ही अगर हमें तीन कॉलम में अगर डिवाइड करना है तो 4 4 का 3 बनेगा, 4 4 8 4 3 12। तो अभी हम लोग इसमें तीन तीन का बना करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमें कुल कितने चाहिए, 4 कॉलम चाहिए, तो हमने मल्टीप्लाई 4 किया और एंटर किया तो ये हमारे पास एक रो में 4 कॉलम बना दिया। तो यहाँ पे हमने लिखा कॉलम 1, ऐसे आप यहाँ पे कॉलम 2 दे सकते हो, कॉलम 3, मर्जी आपकी, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। बट अभी हम लोग टेस्टिंग के लिए यहाँ पे कर रहे हैं तो हमने एक रो में, इसको हम ग्रिड सिस्टम बोलते हैं, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है 4 3 2 1 जो भी है, ये हमारा एक्चुअली में ग्रिड है। ये 3 का ग्रिड है, ये 3 का ग्रिड है, ये 3 का ग्रिड है, ये 3 का ग्रिड है और कुल मिलाकर के एक रो में 12 ग्रिड होते हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कुल मिलाकर के 12 आना चाहिए, तो हमारे पास एक रो में कुल 12 ग्रिड होगा। तो ये कंटेनर एक तरीके से हमारा टेबल टैग का काम करता है और ये हमारा जैसे TR टैग नहीं होता है टेबल HTML में, हम लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये एक तरीके से TR टैग का काम कर रहा है और ये हमारा कॉलम जो है TD का काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक टेबल के अंदर एक रो बनाई गई है और इस रो में कुल कितने कॉलम बनाए गए हैं, 4 कॉलम, और चारों को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है।
अब इसी में अगर हमें नेक्स्ट रो अगर हमें बनाना होता, इसको अगर हमें हाफ पार्ट में डिवाइड करना होता, तो यहाँ पे हम चार की बजाय क्या करते, यहाँ पे दो कॉलम बनाते और फर्स्ट कॉलम की विड्थ 6 करते, सेकंड कॉलम की विड्थ क्या करते, इसको भी 6 करते, तो ये हमारा सेकंड रो बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे ड्यू डॉट रो किया और इसके अंदर फिर से ड्यू डॉट कॉलम लगाया, कॉलम में हमने यहाँ पे MD लिखा और MD में 1 का किया, तो 1 के हिसाब से कुल कितने बनेंगे, 12। एक रो में 12, क्योंकि 1 1 का बनेगा तो कुल 12 कॉलम बनेगा। अगर हम 1 1 की बात करेंगे तो कुल कितने कॉलम बनेंगे, 12 कॉलम। कॉम्बिनेशन हमारा टोटल ग्रिड का कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, वो आप कैसे भी करके बनाना होता है, तो उसी को हमें ध्यान देना रहेगा जब भी हम ग्रिड पे काम करेंगे। ग्रिड का मतलब है यहाँ पे कॉलम, कितने कॉलम्स आप डिवाइड कर रहे हो, कितने कॉलम्स आप बनाना चाहते हो, ये हम इसमें डिसाइड करेंगे। इक्वल 12 होने चाहिए, बाकी आपको अनइक्वली करना है, कॉम्बिनेशन 12 का आना चाहिए एनी हाउ। अब आप इसमें अभी हम इसको रन कराएंगे ना, तो इसमें कुछ ऐसा आएगा नहीं कि अलग रिजल्ट आएगा, सब ऊपर नीचे लिखा हुआ आएगा, क्योंकि अभी डिवीजन में हम काम करते हैं तो क्या होता है, सब ऊपर नीचे ही आता है। लेकिन हम अभी लोग एज्यूम कर रहे थे कि एक कॉलम डिवाइड हो रहा है, कॉलम में बनेगा एक रो कॉलम के तौर पे, तो ये तब काम करेगा जब हम यहाँ से CSS को अटैच करेंगे। अब इसमें हमारे पास बहुत सारी फाइल होती है CSS में, तो इसमें हमें एक बूटस्ट्रैप min.css फाइल होती है, उसको लिंक करना होता है यहाँ पे, बूटस्ट्रैप min.css, या तो इसको लगाना है या बूटस्ट्रैप CSS, दोनों में से कोई एक फाइल को लिंक करेंगे। तो ये अगर देखा जाए, CSS फाइल हमारी एक्सटर्नल फाइल होती है, तो हमें यहाँ पे एक्सटर्नल CSS लगाने के लिए लिंक टैग का यूज किया जाता है, और हम लिंक लिख के एंटर करेंगे, और यहाँ पे हमारा ये CSS कौन से फोल्डर में है, CSS हमारा CSS वाले फोल्डर में है, बूटस्ट्रैप की फाइल किस में है, CSS। तो हम यहाँ पे कंट्रोल स्पेस या डॉट स्लैश लगाएंगे तो ऑटोमेटिक फोल्डर का नाम आ जाएगा, फोल्डर का नाम देंगे, देन अगेन स्लैश करेंगे तो ये हमारा फिर से दे देगा। तो आप इसमें देखेंगे तो आपको बूटस्ट्रैप min.css की फाइल यहाँ पे मिलेगी, तो आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप min.css पे ले जा करके एंटर हिट करेंगे, ये अटैच हो जाएगा। इसको सेव करेंगे और फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा कॉलम के फॉर्म में आ जाएगा। तो ग्रिड कैसे बनेगा, ग्रिड में किस तरीके से, अगर आपको इसमें कलर वगैरह कॉम्बिनेशन देना है तो वो भी हम लोग देखेंगे, बट अगर हमें कॉलम्स में डिवाइड करना है तो वो कॉलम में ग्रिड सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, कुछ इसी तरीके से। अगर हमें यहाँ पे देखिए 6 6 का 2 कॉलम्स किया है, और अगर हमें इसी में 4 4 का बनाना होता, या साइड साइड में हमें क्या करना है, छोटे कॉलम बनाने हैं, बीच में 2 बड़े कॉलम बनाने हैं, तो आप वहां पे कुछ इस तरीके से ड्यू डॉट रो, और इसमें हमने ड्यू डॉट कॉल, इसमें कॉलम दिया, MD मीडियम डिवाइस लगाया, और यहाँ पे हमने 2 साइड में करना है, एक बड़े बनाना है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाते हैं, और 3 कॉलम में पहला कॉलम की विड्थ चाहे हमने 2 दे दिया, ये फर्स्ट कॉलम का विड्थ हो जाएगा, और सेकंड कॉलम के लिए फिर हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। इसके कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखना होगा, हमने 2 इसका दिया है तो 2 लास्ट वाले का हो जाएगा, तो बीच वाले का कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो हम यहाँ से 8 लिखेंगे, 8 2 10 2 12, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा 12 का होना चाहिए। बाकी आप यहाँ पे कॉलम कितना छोटा करना है, कितना बड़ा करना है, वो कॉलम की साइज पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको सेव किया, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, फिर थर्ड कॉलम है, पता नहीं चल रहा है तो इसका बैकग्राउंड कलर आप दे करके थोड़ा सा चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगाना है तो बीजी इन्फो किया, तो ये हमारा इन्फो कलर कुछ इस तरीके से दिया, और फिर से हमने यहाँ पे इसी में बीजी प्राइमरी दे दिया, ये फिक्स कलर होते हैं,
आप अपने से भी लगा सकते हो। ये हमारा प्राइमरी का हो गया। इसी में आपको अगर आपको डेंजर का करना होगा तो डेंजर का भी कर सकते थे, बीजी डेंजर। और यहीं पे हमने इसको थोड़ा सा इधर कर दिया, सेव किया। तो इस तरीके से देखिए आपका 8 वाला कॉलम बड़ा है और 2 वाला कॉलम साइड साइड में इक्वल पार्ट्स में है। तो 8 ये हो गया, 2 10 हो गया, 2 12। तो 2 4 6 8 जो अभी हम लोग दे रहे थे ये कॉलम की विड्थ को डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे कुछ ग्रिडिंग सिस्टम के लिए अगर हम समझने की कोशिश करें तो ग्रिड हमारा कुछ इसी तरीके से काम करेगा। तो ग्रिड को हम लोग और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखा कि कैसे हम टेबल के फॉर्मेट में डेटा को हम रख पाएंगे, मल्टीपल रो कैसे बनाएंगे, मल्टीपल कॉलम बनाएंगे कैसे, अनइक्वल पार्ट में कैसे करेंगे। तो हमारे पास बूटस्ट्रैप में जो दिया जाता है ये ग्रिड को डिवाइड कैसे करते हैं, कुछ उस चीज को हमने समझने की कोशिश की। ठीक है।